खुद को चंद लोगों का शहंशाह आलम बनाने के लालच में जिस इंसान ने एक विशाल देश का बंटवारा तक करवा डाला हो, लाखों बेकसूरों का कत्लेआम करवा डालने तक में जो ना हिचका हो, जमाने में खुद को अपने चंद गिने चुने चहेतों शागिर्दों का भगवान बनाने की खूनी चाहत रखने वाले जिस शख्स ने अपनी कौम, अपने देश की जमीन, खेत, गांव, खलिहान बंटवाने तक में शर्म न खाई हो, सिर्फ और सिर्फ एक अदद अपनी उस बेईमान खूनी हसरत को पूरा करने के लिए बाद में इस शख्स की 11 सितंबर सन 1948 को बेबसी बीमारी के आलम में उसी देश के आंगन में मौत हो गई जिस देश को अलग देश बनाने की ख्वाहिश में इस शख्स ने हर ऊंच नीच वाला रास्ता अख्तियार किया था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल में पॉडकास्ट और मैं हूं आपके मन की बात के साथ आपका दोस्त संजीव चौहान। पॉडकास्ट के इस कड़ी में उस देश के संस्थापक की हो रही बदनामी और दुर्गति के एक शर्मनाक किस्से के साथ, जिसने अब से 74 साल पहले एक अदद अपनी खुशियों की खातिर लाखों बेकसूर मासूमों की लाशें बिछवाने में रहम नहीं खाया था। किसी देश का खुद को माई बाप बनाने की जिसकी खूनी ख्वाहिश में सने हाथों ने सन 1947 में लाखों हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सुहागनों के हाथों की मेहंदी मांग का सिंदूर तक पुछवा डाला, जिसके घिनौने षड्यंत्र ने सूनी कर दी थी हजारों माँ की गोद और बेवक्त ही उठा लिया था, जिसके डरावने इरादों ने हजारों दुदमुहे मासूमों के सिर से माँ बाप का साया करवा डाले थे, जिसके घिनौने इरादों ने एक आंगन में हंसते खेलते खानदान के दो टुकड़े, जिसके बाद आंगन के उन दो हिस्सों में से एक मनहूस हिस्से का नाम दिया गया था पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो आज दुनिया भर में कुख्यात और बदनाम है आतंकवादी पैदा करने को, एक पाकिस्तान को हासिल करने की घिनौनी हसरत में नामालूम बेचारे जिद्दी मोहम्मद अली जिन्ना को गोरों यानी अंग्रेजी हुक्मरानों की कितनी और क्या क्या मिन्नतें करनी पड़ी होंगी। यह अलग बात है कि बीते कल में जिन अंग्रेजों द्वारा बनाए सवारे गए पाकिस्तान से देश के हुक्मरानों को, आज वही अमेरिका से गोरे हुक्मरान बात बात पर दे देते हैं घुड़की और जिसकी ओर हमेशा तरेरे रहते हैं अपनी टेढ़ी नजरें। मैं जिक्र कर रहा हूं हिंदुस्तान के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान और उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के बाद भी उनकी ऐसे अपने ही पाकिस्तान में हो रही बदनामी और दुर्गति की मिसाल बन चुके और एक शर्मनाक किस्से का, जिस पाकिस्तान के स्थापना के खूनी ख्वाब संजोए मोहम्मद अली जिन्ना ने जमाने में क्या कुछ षड्यंत्र हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के खिलाफ न रचा था। आज उन्हें कायदे आजम मरहूम मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान में लगी एक पत्थर की आदमकद मूर्ति पर मौजूद प्लास्टिक का चश्मा तक महफूज नहीं रहा है। जी हाँ, चौकी मत, यह सच है। कालांतर में जिस हिंदुस्तान के टुकड़े करवाकर पाकिस्तान बनवाने बसाने की खूनी चाहत में जिन्ना ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, आज 74 साल बाद उसी पाकिस्तान में जिन्ना की पत्थर की मूर्तियों पर लगे चश्मों को भी उन्हीं जिन्ना के वो पाकिस्तानी चोर चुराने में शर्म नहीं खा रहे हैं, जिनके बाप दादों की खातिर अब से करीब 70 साल पहले इन्हीं जिन्ना ने हिंदुस्तान को काटकर पाकिस्तान बनाने का ब्लूप्रिंट बना डाला था। वही मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने खुद को किसी देश का सर्वे सर्वा बनाने की बेकाबू ख्वाहिश में कालांतर में अंग्रेजी हुक्मरानों के पांवों में बैठकर नामालूम कितने पापड़ बेले होंगे। TV9 डिजिटल में पेश पॉडकास्ट के इस कड़ी में मैं यानी आपका दोस्त संजीव चौहान इस वक्त बेबाक जिक्र कर रहा है ऐसे ही पाकिस्तान के संस्थापक मरहूम मोहम्मद अली जिन्ना की उनके अपने ही पाकिस्तान में हो रही दुर्दशा दुर्गति का। 4 दिसंबर 2021 को जिन्ना द्वारा बसाए गए उनके देश पाकिस्तान में पाकिस्तानी चोरों ने ही उनके चश्मे को चोरी कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्ना साहब की मूर्ति पर यह चश्मा चढ़ा हुआ था। मूर्ति लगी है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक डिप्टी कमिश्नर विहारी के कार्यालय परिसर में। बात चूंकि देश के संस्थापक और कायदे आजम जिन्ना की मूर्ति से चश्मा चोरी कर लिए जाने की थी, लिहाजा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदर ने इस चश्मे की बरामदगी और अपने ही कायदे आजम के चश्मा चोरों को जल्दी से जल्दी तलाश करने की दुहाई दी है। फिलहाल बात कायदे आजम और कंगाल हो चुके देश की इज्जत से जुड़ी है, सो चश्मे और चोरों की तलाश में मुल्तान के कमिश्नर भी जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के कायदे आजम की मूर्ति तक से चश्मा चोरी कर ले जाने की शर्मनाक घटना है 4 दिसंबर 2021 की। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि पॉडकास्ट की इस कड़ी को पेश किए जाने के वक्त तक न चश्मा बरामद हो सका था और न ही चुराने वाले उसको चोर। ऐसा नहीं है कि लाखों बेकसूर इंसानों की लाशों के ऊपर से गुजर कर जिस पाकिस्तान तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था उस पाकिस्तान में उनकी दुर्गति का ये कोई पहला मामला हो। इससे पहले बलूचिस्तान प्रांत में इन्हीं जिन्ना की मूर्ति को ग्वादर इलाके में बम से उड़ाकर धराशायी कर डाला गया था। देखने कहने को वो मूर्ति ग्वादर के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले मरीन ड्राइव पर स्थापित थी।
दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान पाने की खातिर किसी भी हद तक नीचे गिर जाने वाले मरहूम मोहम्मद अली जिन्ना की उस मूर्ति को जून में लगाया गया और 4 महीने बाद ही यानी कि सितंबर महीने में बम से उड़ा डाला गया। जिस पाकिस्तान को पाने की हसरत में जिन्ना ने अपनी आँख और कान सब बंद कर रखे थे, उसी पाकिस्तान में सन 2013 में बलूच आतंकवादियों ने जिन्ना द्वारा 121 साल पहले इस्तेमाल की गई एक ऐतिहासिक इमारत को ही बम से उड़ा दिया। घटना की जिम्मेदारी बलूच रिपब्लिकन आर्मी ने ली थी। इमारत को आग लगाकर और बम के हमले से उड़ाए जाने के दौरान उसमें मौजूद जिन्ना से जुड़ी तमाम यादें भी आग में जलकर हमेशा हमेशा के लिए सुहा हो गईं। बेकसूरों की लाशों के ऊपर बनाए हुए रास्ते पर चल गुजर कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचे और आज भी पाकिस्तानी करेंसी यानी नोटों के ऊपर छप रहे ऐसे बदकिस्मत कायदे आजम मरहूम मोहम्मद अली जिन्ना की अपने ही देश में हो रही दुर्गति पर TV9 डिजिटल द्वारा पॉडकास्ट की इस कड़ी में पेश कहानी सुनकर मेरे श्रोताओं के मन में क्या बात आई, कमेंट बॉक्स में बेबाकी से बताना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही किसी और नई कहानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार। मगर सुनिए तो पॉडकास्ट की इस कड़ी में यह किस्सा सुनने के बाद आप TV9 डिजिटल को जल्दबाजी में कहीं सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए।